दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एलेक्स के प्लान को लेकर के, जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और पिछले कई साल से मार्केट में और काफ़ी अच्छा तरीका से मार्केटिंग कर रही है, यानी काफ़ी अच्छा तरीका से आज का डेट में लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा तरीका से पैसा भी बना रहे हैं। और इतना बढ़िया सिस्टम का जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं यशवीर सिंह जी हैं, और इनके प्रोफाइल को देखना चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं सीधे प्लान पे लेके चलना चाहूँगा। जैसे इनके पास सभी प्रकार का लीगल सर्टिफिकेट है और एलेक्स इंडस्ट्री ये खुद का, इसका खुद का इंडस्ट्री है जहाँ पर खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और यहाँ पर FSSAI से लेकर के और भी GMP वगैरह सब सभी प्रकार के सर्टिफिकेट इस कंपनी को मिल चुका है। तो यहाँ पर बिजनेस कैसे होता है आप देख पाएंगे। यहाँ पर एलेक्स ऑफर्स 15 टाइप्स ऑफ इनकम, यानी कि 15 प्रकार का इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। कौन कौन सा? रिटेल प्रॉफिट अप टू 25%, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस अप टू 30%, पिन लेवल अप टू 10% है, जैक रॉयल्टी 10.5% है, और लीडरशिप बोनस 21% तक है वो भी 13 लेवल से, और ट्रेवलिंग फंड 3%, माई कार फंड 2%, स्वीट होम फंड 2%, बेगा फंड 2%, और स्कॉर्पियन फंड 2%, रॉयल स्टार रॉयल्टी 1% है, यूनिवर्सल स्टार रॉयल्टी 1%, लियो स्टार रॉयल्टी 1%, ग्लोबल स्टार रॉयल्टी 1%, और वॉरियर रॉयल्टी 5%। और यहाँ पर बात करें तो 8% से लेकर के 30% तक एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्म कैसे जैसे जैसे आप करेंगे उस अनुसार से आपको यहाँ पर आपका इनकम आती है। इंपॉर्टेंट टर्म इन एलेक्स, इसको अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस बोनस इन एलेक्स बिजनेस। मान के चलिए आप इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और आपका 4000 PBB खुद का हुआ है, उसी प्रकार से टीम वन से 4000 BB हुआ, टीम टू से 4000 BB, टीम थ्री से 4000 BB, उसी प्रकार से चौथा टीम से भी 4000 BB। तो उसका कैलकुलेशन देखेंगे तो योर लेवल इज 23% पे आप रहेंगे, तो उस समय यहाँ पर जो आपको इनकम मिलने वाली है 4000 BB यानी कि 8% यहाँ पर 320 रुपये बनता है, और 4000 BB का 23% योर PBB बोनस के रूप में मिलेगा, जो कि 23% 920 रुपये है, और डिफरेंस बोनस फ्रॉम योर टीम, जैसे कि ये सबका डिफरेंस जो रहेगा उसका आपको यहाँ पर 15% यानी कि 2400 रुपये, तो टोटल आपको जो अर्निंग होती है यहाँ पर 3320 रुपये होती है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है समझने के लिए। लेवल वाइज BB रिक्वायर्ड फॉर पे आउट रिलीज करने के लिए यहाँ पर BB की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि महीना होता है, ठीक है। 8 से 30% पे अगर आप हैं, 30% तक का कमीशन ले रहे हैं, तो 300 BB का आप PBB का आपको परचेज करना होगा हर महीना। अगर आप 33% से 35% तक का प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि साइनिंग स्टार राइजिंग एंड साइनिंग स्टार तक पहुँचे हुए हैं, तो आपको 1000 BB हर महीना खरीदारी करना होगा। अगर शूटिंग स्टार एंड अबोव रैंक अचीव कर चुके हैं, तो आपको यानी कि 37% से लेकर के 40% तक प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर आपको हर महीना 2000 PBB का परचेज करना जरूरी होता है। एलेक्स पिन लेवल की बात करेंगे, राइजिंग स्टार है, साइनिंग स्टार है, यानी कि रैंक है, ये रैंक अचीव करते हैं तो आपका इनकम भी बढ़ जाता है। तीसरा है शूटिंग स्टार, बेगा स्टार, स्कॉर्पियन स्टार, रेगल है, यूनिवर्सल है, लियो है, ग्लोबल स्टार। इस प्रकार से स्टार की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रकार का स्टार दिया हुआ है यहाँ पर। राइजिंग स्टार की बात करेंगे, जहाँ पर आप 33% पे रहेंगे, लेवल का प्रॉफिट लेवल 33% और कंपनी का टर्नओवर का 4% आपको अलग से मिलता है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 33% खुद का अचीवमेंट है, जो कि आप एक लेग से फ्यूचर स्टार को किसी को क्वालिफाई करा देना है, कोई एक लेग से आपके टीम में कोई अगर एक लीडर अच्छा मिल गया कोई टीम से, ठीक है, तो अगर फ्यूचर स्टार क्वालिफाई कर लेता है तो बाकी टोटल आपका लेग से 25000 PBB का बिजनेस होता है, तो आपको कंपनी टर्नओवर का 4% आपको मिलेगा। लेकिन जो जो क्वालिफाई किए हुए हैं टोटल टर्नओवर को निकाल करके 4% निकाला गया, उसको इनकम लेने के लिए, उस इनकम को लेने के लिए जो जो इस रैंक को क्वालिफाई किया हुआ है उन लोगों से डिवाइड कर दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे एक फ्यूचर स्टार आपका होना चाहिए कोई टीम से, और बाकी टोटल लेग से 25000 PBB बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इनका ट्रैवल फंड भी आप यहाँ पर अचीव कर लेते हैं, राइजिंग स्टार जब होते हैं 33% पर आते हैं 3%। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इफ़
ए राइजिंग स्टार मेंटेन फॉर टू कंजुकेटिव मंथ वन क्वालिफाइड फ्यूचर स्टार एंड 25,000 बीबी अदर टीम थर्ड क्वालिफाई मंथ ही विल एलिजिबल टू ट्रेवल फंड। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ रहे होंगे इसको देख करके, आपको कंटिन्यू 2 महीना तक इसको मेंटेन रखना होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं ट्रेवलिंग फंड 3%। उसके बाद लीडरशिप बोनस है 21%। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइनिंग स्टार जो कि 35% है, 4% जैक रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। अगर आप साइनिंग स्टार होते हैं, साइनिंग स्टार होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि 60,000 TBB का बिजनेस होना चाहिए, एक जो कि कोई एक लेग से 60,000, कोई फ्यूचर स्टार आपका निकला है यहाँ से एक लेग से और उस लेग में 60,000 TBB का बिजनेस हुआ है और बाकी टोटल लेग से 40,000 GBB का बिजनेस हुआ है, टोटल 1,00,000 TBB टोटल टीम से बिजनेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 60,000 और 40,000 है, उस प्रकार से 1,00,000 बिजनेस का अगर टर्नओवर होता है तो आप 4% जो है जैक रॉयल्टी भी लेते हैं। उसके बाद है माय कार फंड, कार फंड भी आपको मिलता है। मैं थोड़ा शॉर्टकट जाना चाहूँगा। शूटिंग स्टार नेक्स्ट जो है रैंक है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार आपको अलग से जैक रॉयल्टी 2% मिलता है। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आप 37% पर रहेंगे, एक लेग से 2.40 लाख का बिजनेस होना चाहिए, बाकी लेग से 1.60 लाख का बिजनेस होना चाहिए, यानी कि टोटल 4 लाख का बिजनेस होना चाहिए टोटल से और खुद का इतना होना चाहिए, तो आप हकदार हो जाते हैं जैक रॉयल्टी शूटिंग स्टार का 2%। उसके बाद स्वीट होम यानी कि होम फंड, हाउस फंड भी आपको मिलता है जब आप शूटिंग स्टार रहते हैं तभी। उसके लिए आपको 2 महीना तक कंटिन्यू रखना होगा आपका ये रैंक, तो आपको मिलता है हाउस फंड भी 2%। उसके बाद वेगा स्टार रैंक अचीव होता है जो कि आप उस समय रहते हैं 38.5% पे, जैक रॉयल्टी जो मिलता है 0.5%। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, खुद का 2,000 PBB का परचेज होना चाहिए और टोटल टीम से 10 लाख का बिजनेस होना चाहिए, कंपनी टर्नओवर का 0.5% निकाल करके जो जो क्वालिफाई किया है उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद वेगा पॉइंट 2% अलग से मिलता है वही वेगा स्टार को ही, और यहाँ पर भी 2% कंपनी का टर्नओवर का निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके लिए आपको 2 महीना तक आपको ये मेंटेन करना होगा, ये चीज वेगा स्टार को मेंटेन करना होगा। उसके बाद स्कॉर्पियन स्टार जो कि प्रॉफिट लेवल आप 40% पर रहेंगे और स्कॉर्पियन फंड 2% मिलेगा, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपका एक टीम से 15 लाख का बिजनेस होना चाहिए, बाकी टीम से 10 लाख का बिजनेस होना चाहिए और खुद का 2,000 PBB का बिजनेस होना चाहिए, यानी कि खरीदारी होना चाहिए, तो आप कंपनी टर्नओवर का एलिजिबल हो जाते हैं इनकम लेने के लिए। नेक्स्ट है रीगल रॉयल्टी 1% मिलेगा, उसके लिए आपको खुद का 2,000 PBB का परचेज होना चाहिए और टोटल 40 लाख का बिजनेस होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक लेग में 20 लाख का बिजनेस होना चाहिए, बाकी सब लेग से 20 लाख। उसके बाद यूनिवर्सल रॉयल्टी 1% मिलता है जो कि उसके लिए आपको टोटल 75 लाख PBB का बिजनेस होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद लियो स्टार 1% मिलता है रॉयल्टी, यहाँ पर आपको उसके लिए 1 करोड़ TBB का बिजनेस होना चाहिए, जबकि खुद का परचेज जो है 2,000 PBB का होना चाहिए, आपको 1% रॉयल्टी दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद ग्लोबल स्टार रॉयल्टी 1% मिलता है जो कि 1.5 करोड़ का TBB बिजनेस होना चाहिए, खुद का उतना ही होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलेक्स वेरियर रॉयल्टी, रॉयल्टी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसके बारे में। वेगा स्टार में 1%, स्कॉर्पियन 1%, रिगल 1%, यूनिवर्सल स्टार 1%, लियो स्टार 0.5%, ग्लोबल स्टार 0.5%, इस टाइप से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये सिस्टम आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसको शॉर्टकट में लिया और आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैं कहीं मिस्टेक या गलत बोल दिया तो। काफ़ी अच्छा सिस्टम है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका एड्रेस यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं और कॉल फोन भी हमने टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, संपर्क भी कर सकते हैं। ये एक प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और आप इसको करके लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने कीमती समय दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।